Hello friends, I'm Dr. Amite Pankaj Aggarwal. I'm Director and Head of Department of Orthopedics and Joint Replacement at Fortis Hospital, Shalimar Bagh. आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम स्पेशल इम्प्लांट्स के जरिए शोल्डर की रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। बहुत सारे शोल्डर की ऐसी पेनफुल कंडीशंस हैं जिनका ट्रीटमेंट पहले यानी कि आज से 10 साल पहले अवेलेबल नहीं था, क्योंकि रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट के जरिए बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो अब ट्रीटेबल या जिनका अब इलाज संभव है। इन्हीं कुछ कंडीशंस के बारे में आज जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला इंडिकेशन है या जो सबसे पहला क्लिनिकल कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं शोल्डर की आर्थराइटिस, जिसके अंदर रोटेटर कफ मसल्स भी इंजर्ड होते हैं। तो यह आर्थराइटिस या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है या रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, और इसके लिए रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कारगर ऑपरेशन बन गया है। जो सेकेंड इंडिकेशन है उसका नाम है रोटेटर कफ इंजरी, जो कि इररिपेरेबल है। जो रोटेटर कफ इंजरी बहुत पुरानी होती है जिसमें रिट्रैक्टेड मसल्स होते हैं और जिसमें पेन बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी कंडीशंस में शोल्डर सर्जरी जिसमें रिपेयर की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट बड़े अच्छे रिजल्ट दे सकता है। तीसरा इंडिकेशन है एक एल्डरली पर्सन में, जिसको हम 3 या 4 पार्ट फ्रैक्चर्स बोलते हैं, जिसके अंदर शोल्डर शैटर हो जाता है, शोल्डर की प्रॉक्सिमल जो ह्यूमरस जिसको हम बोलते हैं वो हड्डी शैटर हो जाती है, और ऐसे में फ्रैक्चर सर्जरी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं और हम इसमें रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की सलाह देते हैं। जो लास्ट में एक इंडिकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं कि फेल्ड शोल्डर सर्जरी, अगर शोल्डर सर्जरी पहले किसी भी कारण से हुई है और वो सक्सेसफुल नहीं रही है तो उसमें रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छे तौर पर रिजल्ट्स दे सकता है। अब रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट की सर्जिकल प्रक्रिया या प्रोसेस कैसे होता है? रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट में पेशेंट को यूजली 3 से 4 दिन तक एडमिट किया जाता है और सर्जरी के एक दिन के बाद से हल्की फुल्की मूवमेंट शुरू कर दी जाती है। एक शोल्डर स्लिंग दिया जाता है ताकि शोल्डर को सपोर्ट रहे, जो 3 से 4 हफ्ते रहता है, और अगले 2-3 हफ्ते की फिजियोथेरेपी के बाद पेशेंट्स अपने वापस दिनचर्या पे जा सकते हैं। इस सर्जरी के रिजल्ट्स अगर हम लिटरेचर की बात करें तो अप टू 10 ईयर्स 90% सर्वाइवरशिप देखा गया है, और इस सर्जरी को यूजली हम लोग रिजर्व रखते हैं जो पेशेंट्स अपने 60s में होते हैं या लेट 60s में होते हैं, उनके लिए इस सर्जरी को रिजर्व किया जाता है। आइए इसी सर्जरी के जरिए एक पेशेंट की सक्सेस स्टोरी को हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम शीला सिंह है। मुझे 3 साल से फ्रोजन शोल्डर था, राइट हैंड इसमें शोल्डर में, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मैं अपना कोई काम नहीं कर सकती थी। फिर डॉक्टर अमिते पंकज अग्रवाल के पास मैं फोर्टीज़ में, मुझे किसी ने डॉक्टर ने रेकमेंड किया, मैं यहाँ आई, इन्होंने मेरा शोल्डर रिप्लेसमेंट किया, और अभी 1.5 महीना हुआ मेरे ऑपरेशन को और मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। मैं सारा काम अपने आप कर रही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के सारे नर्सिंग स्टाफ सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम सुना था, किसी को नहीं सुना था कि शोल्डर रिप्लेसमेंट होता है। फर्स्ट टाइम मैं भी बहुत डरते डरते कराई थी, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। प्लीज़ किसी को भी कराना हो तो बिना झिझक ये ऑपरेशन आप डॉक्टर अमिते पंकज अग्रवाल से करा सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है पहले से, और अब में तो नया जीवन मिला है मुझे। स्लीप वगैरह आपकी सब कुछ बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अब इस करवट से भी सो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच।